जितनी बही खाते आप देखेंगे, ये कोई 50 साल पुरानी है, कोई 100 साल पुरानी है, कोई 200 साल पुरानी है, और उन सबको आज भी कंप्यूटर के युग में महाराज जी ने सहेज कर रखा हुआ है। तो आइए महाराज जी से ही बातचीत करते हैं महाराज जी के बारे में। हाँ, ये पुरानी राइटिंग जरा दिखाएंगे कि कैसे लिखा करते थे पुराने समय में, किस तरह से लिखते थे, हैंड राइटिंग कैसे हुआ करती थी, वो आप देखिए। ये जय श्री राधे। हमारी भारतीय संस्कृति, हमारा सनातन धर्म कितना महान है, ये आप सबको तीर्थ स्थलों पर जाकर पता चलेगा, तीर्थ स्थानों पर जाकर पता चलेगा। आज हमारे हाथ में एक ऐसी पुस्तक आ गई है, एक ऐसी कॉपी आ गई है जिसे हम बही खाता कहते हैं, यानी बही कहते हैं, और जिसमें ना आपके किसी व्यापार की जानकारी है, ना लेन देन की जानकारी है। इसमें जानकारी है तो सिर्फ और सिर्फ आपके परिवार की जानकारी है, आपके पूर्वजों की जानकारी है, और ये जानकारी आप सबको मिलेगी अपने तीर्थ स्थानों पर जाकर। इस समय मैं मौजूद हूँ गिरिराज महाराज जी के दरबार में, धाम में, और मानसी गंगा के एकदम निकट हूँ। तो ये जो पुस्तक आ गई बही मेरे हाथ में आ गई, इसको देखकर मैं आश्चर्यचकित हो गया, मेरे पैरों तले से भी जमीन खिसक गई। जैसे कि तीर्थ पुरोहित महाराज जी ने इसमें जो जो मतलब बायोडाटा लिखा हुआ है, यानी विवरण लिखा हुआ परिवार का, वो देखकर सुनकर आश्चर्य में मैं पड़ गया। यानी 200 साल पुराने इस बही में आपके परिवार के पते लिखे हुए हैं। आप अगर इंदौर से आते हैं, आप कोलकाता से आते हैं, महाराष्ट्र से आते हैं, राजस्थान से, मणिपुर, इम्फाल से, कहीं पर भी आते हैं, और अगर एक बार चकाचक महाराज जी के परिवार से, इनके पिताजी से, इनके दादा से आप रूबरू हुए होंगे, उनके स्थान पर अगर आप रुके होंगे, तो आपका निश्चित मानिए इस बही में जरूर विवरण होगा, आपके पूरे परिवार का विवरण होगा, पूरा आपको पता होगा ये परंपरा कैसे पड़ी तीर्थ स्थलों पर, और क्यों महाराज जी लोग, तीर्थ पुरोहित लोग बड़े ही भाव से पूरा लिखा करते थे विवरण। इस सब के बारे में चकाचक महाराज जी से पूछेंगे। और ये अब की समय पे जब कंप्यूटर है, जब सोशल मीडिया का इतना बड़ा समय है, उसके समय पे, आज के समय पर अब ये परंपरा कैसे विलुप्त होती जा रही है, उसके बारे में भी पूछेंगे। लेकिन इनके फायदे क्या थे और ये क्यों करते थे, इसके बारे में भी आप सबको बताएंगे। एक आश्चर्यजनक बात जो है वो मुझे बहुत लग रही है, और वो पन्ना पलटते पलटते अचानक मेरी नजर पड़ गई, वो मैं सुनाऊंगा, और आप सब हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे कि महाराज जी ने कैसे दादा नाती पोता तक विवरण लिखा हुआ है, उनके परिवार के बारे में बताया हुआ है। आप सब जानते होंगे प्रसिद्ध देश के उद्योगपति विष्णु हरि डालमिया जी के बारे में, जो विश्व हिंदू परिषद से भी जुड़े रहे और भारत के जाने माने उद्योगपतियों में उनका नाम शुमार है। एक बार उनका परिवार मानसी गंगा के निकट आया और ऐसे चकाचक महाराज जी के पूर्वजों से, यानी पिताजी और दादाजी से जुड़ गया कि वो जो है अब अनवरत उनसे जुड़ा हुआ है, और उनके पूरे खानदान की जो विवरण है वो महाराज जी ने, चकाचक महाराज जी ने लिखा हुआ है। वो सारी बातें तो मैं महाराज जी से ही पूछूंगा, लेकिन इनमें जो शब्द लिखे हुए हैं वो बहुत अच्छे लिखे हुए हैं, वो आप सुनिएगा कि कैसे उन्होंने विवरण लिखते हैं। ये नई पीढ़ी के लोगों को नहीं पता होगा, मैं करबद्ध निवेदन कर रहा हूं कि इन चीजों को भी हम सब जाने, ये हमारी संस्कृति, ये हमारी परंपरा है। तो महाराज जी ने लिखा है, बासी चिड़ावा डालमिया हाल में दिल्ली, यानी ये तो पहले पता है वहां का, जो राजस्थान के में जहाँ स्थान है, लेकिन हाल में कहाँ रहते हैं, हाल में दिल्ली में। और उन्होंने, महाराज जी ने लिखा हुआ है कि घर नंबर 2F पृथ्वीराज रोड, ये पृथ्वीराज रोड घर नंबर 2 है वो लिखा हुआ है, और सारी डिटेल्स जो है वो हिंदी में लिखी हुई है, अपने हैंड राइटिंग से महाराज जी ने लिखी है। और आगे लिखा है, श्री श्रेठ मृदु हरि जी आए बेटा, यानी महाराज जी ने ये लिखा है कि उनके डालमिया जी के परिवार से मृदु हरि जी आए थे उनके, और ये आगे उन्होंने लिखा हुआ है कि श्री जय दयाल जी का पोता। अब देखिए यहाँ से महाराज जी ने पूरा विवरण, तीर्थ पुरोहित महाराज जी जो चकाचक महाराज जी हैं, उन्होंने पूरा विवरण जो है वो आगे दिया है कि श्री जय दयाल जी का पोता, हरजीमल जी का पड़ पोता,
अब हरजीमल जी का पड़ पोता है, श्री राम जी का सड़ पोता है, काशी राम जी का लड़ पोता है, कानी राम जी का खड़ पोता है, श्री मोहन राम जी का लड़का गौरव साथ में धर्मपत्नी आभा देवी के साथ आए। यानी ये मुझे लगता है कि अगर हम निकालेंगे तो 5-6 पुस्त हम तो दादाजी पिताजी और नाती पोता तक ही पहुंचते हैं। यहाँ तो लड़ खड़ पोता लड़ पोता तक जो है महाराज जी ने मतलब डिटेल्स रखी हुई है कि उनके परिवार के, और मुझे लगता है कि ऐसे तो उनके परिवार के ही लोग नहीं जानते होंगे इतनी डिटेल्स जानकारी जितना महाराज जी ने यहाँ पर रखा हुआ है। तो उन्होंने दिया है कि कब आए थे, धर्मपत्नी आभा देवी के साथ आए, साथ में पोता आर्यमन हरी डालमिया तथा पोती देवांशी आई, श्री गिरिराज जी का पूजन किया। अब देखिए इसमें ये भी लिखते हैं कि ये क्यों आए थे यहाँ पर, तो गिरिराज जी का पूजन किया था तथा फूल बंगला का श्रृंगार कराया था तथा शरबत की प्याऊ भी लगवाई, ये भी पूरी बारीक से डिटेल दिए हुए हैं, का आयोजन किया शादी की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर, ये शादी की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर ये सब काम हुआ। और 9/6/2012 को आषाढ़ में आए थे, आषाढ़ के महीने में आए थे, हिंदी का जो महीना है, और संवत ज्योति विक्रम संवत ज्योति वो 2069 की विक्रम संवत में, यानी विष्णु हरि डाल मिया जी के परिवार की पूरी जो कुंडली है, परिवार का विवरण है, वो सारा कुछ जो है वो महाराज जी के पास लिखा हुआ है। तो ये तीर्थ स्थानों पर ही जाते थे। ये सारी जितनी बही खाते आप देखेंगे, ये कोई 50 साल पुरानी है, कोई 100 साल पुरानी है, कोई 200 साल पुरानी है, और उन सबको आज भी कंप्यूटर के युग में महाराज जी ने सहेज कर रखा हुआ है। तो आइए महाराज जी से ही बातचीत करते हैं महाराज जी के बारे में। हाँ, ये पुरानी राइटिंग जरा दिखाएंगे कि कैसे लिखा करते थे पुराने समय में, किस तरह से लिखते थे, हैंड राइटिंग कैसे हुआ करती थी, वो आप देखिए। ये बही की परंपरा जो है तीर्थ स्थानों पर देखने को मिलती है, अगर काशी जाएं, ज्यादातर हरिद्वार जाएं, गया जाएं, तो वहाँ पर जो है तीर्थ स्थानों पर बही की व्यवस्था रहती है और पूरी उसमें जानकारी रहती है। तो ये क्यों करते रहे आप लोग, कैसे इसका क्या जो है अभिप्राय रहा? जो सनातन धर्म है हमारे भारत का, जो हिंदू हैं देवी देवताओं में बहुत अत्यधिक आस्था रखते हैं। जी, पहले युग में जो यात्रा करते थे वो तीर्थ के भाव से करते थे, आज जो यात्रा करते वो पर्यटन के रूप में यात्रा करते हैं, उनका तीर्थ के प्रति भाव कम होता है, पूजन आस्था कम होती है। प्राचीन काल में आवागमन के साधन नहीं थे, संचार के साधन नहीं थे, उसमें 95% लोग पैदल ही यात्रा करते थे, 5% कोई घोड़ा गाड़ी में, कोई ऊंट गाड़ी में ऐसे यात्रा करते थे। तो प्राचीन काल में तमाम आपदाएं पहले भी आती थी, तो यात्रियों को 15-20 दिन लग जाते थे, उनका पैसा भी खर्च हो जाता था। और तीर्थ के बारे में जो यहाँ के तीर्थ प्रवृत्त लोग हैं वो तीर्थ के बारे में बताते थे और अपने जेजवान के प्रति पूर्ण रूप से ईमानदार और समर्पित होते थे। अगर बीमार पड़ जाए तो उनका इलाज कराते थे, उन्हें रास्ता बताते थे, तीर्थ के बारे में कथा बताते थे, पैसा बीत जाता तो पैसा भी देते थे। जिससे कि वो अपने घर चले जाए। यानी तीर्थ पुरोहित का भाव जिजवान के लिए इतना अटूट था जिसकी कोई व्याख्या किसी भी शास्त्र में नहीं है। अच्छा, अपने परिवार की तरह, अपने परिवार की जैसे अपने परिवार के सदस्य हैं, ऐसे ही यजमान की आव भगत अच्छी रखते थे और उन्हें किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होने देते। जो प्राचीन जमाने के जो बुजुर्ग लोग थे वो तीर्थ में अत्यधिक आस्था रखते थे। जो तीर्थ पुरोहित होता था उसकी अच्छी तरह से पूजा दक्षिणा उनमें पूर्ण आस्था रखते थे। जैसे कि उनके चरण छूना, उनके बहुत आदर करते थे। प्राचीन काल में जो तीर्थ पुरोहित थे वो भी उनका बहुत आदर करते थे और यजमान भी बहुत आदर करते थे। तो जैसे आपके पास महाराज जी कितने 100 साल का रिकॉर्ड है? हमारे पास में 250 साल तक का रिकॉर्ड है। पहले जमाने में जो लोग थे, रिकॉर्ड तो और भी पहले का हो सकता है,
जब पढ़े लिखे नहीं थे, यानी लकड़ी से और उससे ही लिख लेते थे, रंग होल करके कैसे भी, स्याही भी नहीं होती थी, खड़िया से ऐसे कुछ लिखते थे, और जो कागज भी होता था वो इतना बढ़िया नहीं होता था। हमारे जो 250 और 300 वर्ष के जो भैया हैं, उनके कागज बिल्कुल गल गए, और ऐसी पढ़ाई थी कि उसको हम पढ़ भी नहीं सकते। तो हमने येन केन प्रकारेण कुछ नई वही बनाई है, उनमें से पढ़ पढ़ करके बड़ा दिमाग लगा करके सबको निकाला। हाँ, तो इस संस्कृति को हम बचाए हुए आज भी हमारा कोई यजमान आता है उसे हम किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होने दे। तो जैसे कोई यजमान आया हो महाराज जी और आपसे मिला हो, तो अचानक बही खोल कर उसके दादा पर दादा का आपने नाम बताया, वो आश्चर्यचकित हो गया, वो आश्चर्यचकित हो जाता है और हमारा आदर करता है। अच्छा, बहुत अत्यधिक आदर मिला है हमको, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, वो बड़े खुश होते हैं। अच्छा, वो ये भी कहते हैं क्या कि महाराज जी हमें तो अपने दादा परदादा का नाम ही नहीं पता। हाँ, ऐसा भी कहते हैं। ऐसे अब आज के युग में फोन आते हैं तो कहते भाई हमारी जो हिस्ट्री है, हमारे जो परिवार के जो सदस्य हैं, दादा परदादा, पोता पड़पोता सड़पोता लड़पोता, ये सारे बताइए, तो हम उनको लिख करके भेजते हैं। अच्छा, उन्हें लिख कर भेजते। हाँ, और आगामी हमारी योजना ये है कि हम कंप्यूटर में उन सबको फीड करेंगे। करें, आज के टाइम के अंदर। हाँ जी, फीड करें, फीड करें, और जब भी कभी क्लिक करें एक क्लिक में, हाँ, सारी उनकी डिटेल आ जाए, सारा वो आ जाए। हाँ, मैं तो देख रहा हूँ कि कई ऐसे पन्ने जब मैंने पलटे हैं तो विष्णु हरि डालमिया जो प्रसिद्ध उद्योगपति थे, उनके परिवार के बहुत सारे सदस्य यहाँ हैं। विष्णु हरि डालमिया जी के पिताजी थे जयदयाल जी, और विष्णु हरि जी के 7 भाई हैं। वो सभी बड़े धार्मिक हैं, उनकी जो घर से पत्नी है, बच्चे हैं, वो आज भी हमारा बहुत 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 आदर करते हैं जी। और हमको कभी अतकाय कोठी पे जाएं तो हमारा प्रवेश वर्जित नहीं है, हमें तुरंत वेलकम होता है। हम उनके ऑफिस में जाएं तो हमको ऐसा कभी नहीं हुआ है कि भाई के हमारे जो तीर्थ पुरोहित हैं इनको हमको तुरंत बुलाया, आदर सत्कार के साथ बुलाते हैं। हाँ, रुकवाते हैं, और हमारा रुकवाते, भोजन कराते हैं, अपने निजी कमरे में ले जाते, हमारा बहुत मान करते हैं। ऐसा यजमान हमें मिले हैं कि वो बहुत फले फूले हम ऐसे। लेकिन मैंने देखा है कि उनके तो बहुत सारे परिवार का आपने जो है कुंडली इकट्ठी कर रखी है। हाँ, हमें पूरे डालमिया परिवार की कुंडली है, चाहे वो गया में रहता हो, चाहे अजमेर में रहता हो, या कहीं भी रहता हो, भारत के किसी भी कोने में, चाहे विदेश में रहता हो, पूरे डालमिया परिवार की कुंडली हमारे पास है। देश के किन किन जगहों से, किन किन स्थानों के होंगे वही खाते जिनका परिवार का नाम? हम तो अधिकांश तो राजस्थान के जितने भी मारवाड़ी समाज है सबके पंडा है, जैसे जालान है, डालमिया है, तोदी है, सुल्तानिया है, सराफ है, ये सबके सगानी आए, डालमी मतलब राजस्थान के जो भी शेखावाटी के सेठ हैं उन सबके पंडा में, महेश्वरी के भी पंडा हैं हम, ब्राह्मणों के भी पंडा हैं, शेखावाटी के जितने भी हैं जातियां सबके पंडा। तो अब वो थोड़ी परंपरा थोड़ी थोड़ी कम हो रही है, परंपरा ऐसी धूमिल हो गई है कि अब हमको यजमान का पता ही नहीं चलता, बड़े बड़े गेस्ट हाउस में रुकते हैं। जो पुरानी परंपरा है वो खत्म होने जा रही है इस कलयुग में। जी जी जी, ये कलयुग का प्रभाव। अच्छा, ये जो परंपरा थी वो एक परिवार जैसी थी, सदस्य जैसी थी, कि आ गए यजमान, आ गए पंडा जी के पास, आए बैठे, प्रसाद की व्यवस्था कराओ, जल की। हाँ हाँ, सारी व्यवस्था करते थे, और यजमान को भी इतना भरोसा होता था कि हमारे पंडित जी हैं, पुरोहित जी हैं, ये हमको किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं आने देंगे। कभी ऐसा हुआ आपको याद है? आपकी उम्र कितनी महाराज जी? मेरी अतकाय 72 साल की उम्र है। अच्छा, तो कभी ऐसा हुआ कि कोई यजमान आ गया हो दूर से और बारिश तूफान आंधी में फंस गया हो, आपने चिट्ठी देकर? हाँ, आपने उसे सुनिए, एक दफे की बात है, आज से कोई 50 साल हो गए, तो जो विष्णु हरि जी के पिताजी थे जी, वो यहाँ परकम्मा देने के लिए आए। अच्छा, उस जमाने में भीड़ भाड़ कम होती थी, जयदयाल जी डालमिया जी, और हम 3 जने थे, उनके घर से थी, और जयदयाल जी डालमिया जी थे और जी, मैं था जी, और बिल्कुल जो परकम्मा थी हाईटेक नहीं थी। हाँ, यहाँ बहुत कम लोग थे, लाइट भी, तो हमने उनको रात में परकम्मा दिलाई। हमारे हाथ में एक तो लाठी होती थी,
और हाथ में लांटेन होती थी। अच्छा। ये परिक्रमा पूरी कच्ची होती थी और उन्हें प्रेम पूर्वक ऐसी रात्रि में हमें पूरी सात को उसकी परिक्रमा में कोई नहीं मिला। रात में कै बजे की बात होगी? ये रात में हमने शुरू की थी परिक्रमा एक बजे, रात्रि के एक बजे हमने परिक्रमा शुरू की थी। और वो उनके घर से माताजी भी थी और वो बाबूजी भी थे, बड़े खुश होते थे। उनकी डंडोती परिक्रमा भी हमने लगाई। अच्छा, डालमिया जी के परिवार? हाँ, जयदयाल जी और उनके घर से उनकी अथकाए हम दोनों भाइयों ने डंडोती परिक्रमा लगाई। संकल्प उन्होंने किया और डंडोती परिक्रमा हमने लगाई। अच्छा, डंडोती परिक्रमा हमने लगाई, आपने लगाई, संकल्प उन्होंने किया था और साथ में आपके चलते रहे? नहीं, वो साथ में नहीं, वो अपने दिल्ली चले गए। हमने जब डंडोती पूरी हो गई खबर कर दिया, जब आ गए हमको खूब अच्छी दान दक्षिणा दी। जी जी, बहुत हमारा स्वागत सत्कार करते थे। तो ये जो लालटेन लेकर चले थे और परिक्रमा लगाए थे लाठी लेके, पहले जमाने में बिजली नहीं थी। किस सन की बात? उस जमाने में परिक्रमा में बिजली नहीं थी। गोवर्धन में तो बिजली थी पर इतने बल्ब और लाइटें नहीं जलती थी, अंधेरा ही होता था। और मतलब परिक्रमा में थोड़ा अटकाए जंगली जानवर भी मिलते थे, कोई चोर भी मिल जाता तो हम लट्ठे लेकर के जाते थे उसका मुकाबला करने के लिए। और लांटेन इसलिए लेकर के जाते थे, कोई सर्प निकल रहा है, हिरण निकल रहा है, कोई लोमड़ी निकल रही है, कोई रीछ निकल रहा है, तो हम डंडे से उस पर प्रहार करें और आराम से निकल जाएं। अच्छा, मतलब कुल मिलाकर किसी भी तरह से यजमान को कोई दिक्कत नहीं, कोई कष्ट नहीं। उनके लिए हम जान देने के लिए भी तैयार रहते थे, भले ही हम मर जाए, यजमान पर कोई कष्ट नहीं, कष्ट नहीं। इतने हम तीर्थ पुरोहित थे, समर्पित अपने यजमान के। तो देखिए ना, हमारे यहाँ के तीर्थ स्थानों पर तीर्थ पुरोहितों का कितना भाव था और कितना आदर सत्कार अपने यजमान के प्रति था। और जैसे महाराज जी, चकाचक महाराज जी बता रहे हैं कि अगर हमारे प्राण भी निकल जाएं, लेकिन हम सुरक्षा करते थे अपने यजमान की, क्योंकि वो बहुत दूर से आया करते थे, इसलिए हर तरह से उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी इनकी रहा करती थी। और पीछे दिखाइए, अभी भी वो दंड जो है लाठी है, और जब भी आज भी जो है जब जरूरत पड़ती है तो महाराज जी लेकर निकल पड़ते हैं और अपने यजमान की पूरी सुरक्षा व्यवस्था करते हैं। मेरा आप लोगों से बहुत करबद्ध निवेदन है, बहुत विनम्र निवेदन है। मुझे लगता है कि ये परंपरा अब लुप्त के कगार पे है, जैसे महाराज जी ने बताया भी, क्योंकि आज कंप्यूटर युग, इंटरनेट युग हो रहा है, गूगल बाबा है, मोबाइल हाथ में है, तो सभी लोग सर्च कर लेते हैं। लेकिन कभी भी अगर आइए मानसी गंगा के पास, तो आप चकाचक महाराज जी के पास उनका नाम पूछिए, आपके देखिए आपके बाबा दादा पड़पोता लड़पोता, मतलब पूरे परिवार की जानकारी डिटेल्स महाराज जी देंगे। अगर आपके परिवार का कोई भी सदस्य कभी भी 100, 150 साल, 200 साल पहले आया होगा और उनके बही में उनका नाम दर्ज होगा, तो आप अपने परिवार का पता महाराज जी से पूरा लगवा सकते हैं। अभी जैसे महाराज जी ने बताया भी था कि डालमिया जी के परिवार से ही फोन आया था कुछ साल पहले कि उनके पूरे परिवार का थोड़ा सा डिटेल बताइए, तो यहाँ पर बड़ा सर्च करने के बाद फिर महाराज जी ने पूरा डिटेल वहाँ भेजा हुआ था। तो ये केवल एक जिल्द नहीं है, ये केवल एक पुरानी किताब नहीं है, ये केवल एक पुरानी पुस्तक नहीं है, ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी धरोहर है, या ये भारत की आत्मा है, भारत का प्राण है जो हम सब के हृदय मन में बसता है। और कितना सुंदर स्वरूप हुआ करता था जब पुरोहित के पास जाते थे, पुरोहित जी पूछते थे पिताजी का क्या हाल है, पुरोहित जी पूछते थे अरे घर में कोई नया मेहमान आने वाला है कि नहीं, जब वो आएगा तो उसको भी ले आना, उसको भी वो करना। तो एक परिवार की तरह तीर्थ स्थानों पर ये पुरोहित, तीर्थ पुरोहित जो है वो चिंता करते थे और एक साथ बैठकर भजन मंडली हुआ करती थी, प्रसाद हुआ करता था, एक साथ बैठकर पूरे सुख दुख की बातें होती थी। तो मेरा पुनः आग्रह है, पुनः निवेदन है कि इस परंपरा को बचाए रखिए, अपने पुरोहित तीर्थ पुरोहितों के पास जाइए, चाहे गया जाइए, हरिद्वार जाइए, चाहे गोवर्धन आइए, तो अपने तीर्थ पुरोहितों के पास जाइए, उनका विवरण लीजिए।